ये कहानी है एक ऐसी वीरांगना की जिनके जन्म लेते ही उन्हें उनके माँ बाप ने त्याग दिया। जिनके शादी के कुछ वर्ष बाद ही शिकार के दौरान उन्होंने अपने पति को खो दिया। उनकी युद्ध नीति इतनी कुशल की दुश्मन को भी पता नहीं लगता कब उनका सर उनके धड़ से अलग हो गया हो। हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ रानी जिद्दा देवी की, जिनका दुश्मनों में भी इतना खौफ था कि उन्हें चुड़ैल रानी कहकर पुकारते थे। जिन्होंने अपने पति की मृत्यु सहया पर यह प्रण लिया था कि उनके साम्राज्य को कभी भी किसी गलत हाथ में जाने नहीं देंगी, जिसके कारण उन्होंने अपने 500 सैनिकों को लेकर गुरिल्ला युद्ध नीति का सहारा लेकर 35,000 सैनिकों का सामना कर उन्हें मिट्टी में मिला दिया। इतना ही नहीं, जब महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो उसने कश्मीर को भी हड़पना चाहा, पर रानी जिद्दा देवी के सामने वह टिक ना सका और उसे एक नहीं बल्कि दो बार हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आज चैनल को सब्सक्राइब मत करना चलेगा, लेकिन प्लीज रानी जिद्दा देवी के लिए एक कमेंट जरूर करें।